और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 20 फरवरी को जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की थी। आरजेडी नेता की इस यात्रा का पहला चरण 24 फरवरी को समाप्त हो गया है। पहले चरण में इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने 1100 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस दौरान उन्होंने 16 जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। मुजफ्फरपुर से शुरू हुई ये यात्रा आज गया पहुंच गई है। गया के गांधी मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा कि जनता ने जो भरोसा और प्यार आरजेडी पर जताया था, इसके लिए वह आभारी है। उन्होंने जनता को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव आपके लिए मर मिटने को तैयार रहेगा। नया बिहार बनाना है, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, कारखाना आदि बेहतर हो, इसमें हम लगे हैं। उन्होंने पटना में 3 मार्च को हो रही महारैली में आने का न्योता भी जनता को दिया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष की बौछार की। आरजेडी नेता ने कहा, नीतीश कुमार के मन में खोट था। नौकरी, जाति आधारित जनगणना का क्रेडिट तेजस्वी ले लेगा, यह डर था। जब हमने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था तो क्रेडिट भी हम ही लेंगे। वहीं नीतीश के पाला बदलने को लेकर तेजस्वी ने कहा कि 3 साल में 3 बार नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं। सरकार हटी तो ईडी से जांच कराई जा रही है। बीजेपी डराना चाहती है, लेकिन जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का लड़का भी नहीं झुकेगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को भगाकर आरजेडी की सरकार बनाने के लिए जनता से मौके की मांग की। आपको बता दें, 25 फरवरी से तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें आम सभा न होकर केवल रोड शो होगा। 25 से 28 फरवरी तक तेजस्वी दूसरे चरण की यात्रा करेंगे।